हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल लवली गेट फ्रेश। एंड आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा होममेड हर्बल नेचुरल फेशियल, जिसे यूज करने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका फेस लाइट एंड ग्लो करने लगेगा। अगर आप इस समर के सीजन में चाह रहे हैं कि आपके फेस पे से जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाए एंड साथ ही आपके जो डेड सेल्स हैं वो हट जाए एंड आपकी फेस निखरी निखरी सी लगे एंड आपकी जो फेस है वो ग्लो करे, उस पर एक लाइट आ जाए, तो एटलीस्ट आप इस फेशियल को एक बार ट्राई जरूर करें मेरे कहने पे। आई मैं आपको दावा करती हूँ कि आप इस फेशियल को करने के बाद आप निराश नहीं होंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप एक पका हुआ पपीता अच्छी तरह से धोकर ले लें। जैसा कि आप सब जानते हैं, पपीता जितना हेल्थ के लिए अच्छा होता है वैसे ही आपके स्किन के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर एंड बहुत सारे नेचुरल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। बट मैं यहाँ पे जो यूज कर रही हूँ हाफ छिलके के साथ यूज कर रही हूँ एंड हाफ बिना छिलके वाला यूज कर रही हूँ, बिकॉज इसका जो छिलका होता है उसका भी अपना एक अलग ही फायदा होता है। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप छिलके वाला का यूज ना करें, बिकॉज इसका जो छिलका होता है वो खास होता है, तो हो सकता है आपकी स्किन को इरीटेट करे। बट अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप किसी भी टाइप से यूज कर सकते हैं। एंड फिर इसे मिक्सर में डालकर इसे पीस लीजिए, इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए। और साथ ही मेरा यह होम रेमेडीज पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिए एंड जो घंटी लटक रही उसे भी दबा दीजिए। फाइनली यह फेस्ट रेडी हो चुका है। एंड जनरली फेशियल के चार मेन स्टेप्स होते हैं, सो फर्स्ट जो स्टेप है वो है क्लींजिंग। इसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा चम्मच कच्चा दूध, आधा चम्मच नींबू का रस, एक बड़ा चम्मच पपीते का पेस्ट। इन सबको मिक्स कर लीजिए। पपीते में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपके स्किन से पिगमेंटेशन, टैनिंग एंड साथ ही डार्क स्पॉट को हमेशा के लिए रिमूव कर देता है। फेशियल करने से पहले नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लें। एंड देन मैं यहाँ गुलाब जल ले रही हूँ, जिसकी हेल्प से मैं अपने फेस पे जो भी एक्स्ट्रा डर्ट्स हैं उसे क्लींज कर लूँगी। एंड देन इस पेस्ट को लेकर अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी एंड 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है बिल्कुल ही हल्के हाथों से। क्लींजिंग की जो प्रोसेस है वो डेली करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके फेस पे जो भी डर्ट्स हैं, आपके जो नेचुरली ऑयल सीक्रेट होते हैं एंड साथ ही जो इम्प्योरिटीज होती है वो सब रिमूव हो जाते हैं एंड आपकी फेस क्लीन एंड क्लियर हो जाती है। एंड फेशियल का सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। इसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा चम्मच चीनी, आधा चम्मच चावल का आटा। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं, अदरवाइज दोनों ट्राई कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच पपीते का पेस्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे फेस पे अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट तक मसाज करें। स्क्रबिंग करने से आपके जो डेड स्किन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और साथ ही आपके नोज एंड चिन के अराउंड जो ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है। एंड थर्ड स्टेप है फेशियल मसाज। इसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा चम्मच हनी एंड एलोवेरा जेल जो आप यूज करते हो एक बड़ा चम्मच, एक बड़ा चम्मच पपीते का पेस्ट एंड इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे भी फेस पर अप्लाई करने के बाद 4 से 5 मिनट तक मसाज करें। पपाया में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यह आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा एंड साथ ही मॉइस्चराइज करेगा। मेरे बताए गए इन स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं, आप हल्के हाथों से अपवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में इस तरह से, तो आपको कभी भी फाइन लाइन्स एंड झुर्रियों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड देन फिर एक कॉटन कपड़े की हेल्प से इसे बायपॉट कर लें। एंड लास्ट एंड फोर्थ स्टेप है फेस पैक। इसके लिए लेंगे 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। इन दोनों में से आप कोई एक भी ले सकते हैं या फिर चंदन पाउडर या मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच पपीते का पेस्ट और 1 चम्मच दही। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस फेस पैक को लेकर सर्कुलर मोशन में अपर डायरेक्शन की ओर ले जाते हुए अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लें। फेस पैक आपके स्किन को टाइट करता है, जिससे आपके स्किन पे फाइन लाइंस एंड रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर अब वेट कीजिए इसके सूख जाने का, 10 से 15 मिनट के बाद जब यह आधा सूख जाए तभी आप किसी कॉटन कपड़े की हेल्प से इसे रिमूव कर लीजिए या वॉश कर लीजिए। आप देख सकते हैं डिफरेंस मेरे फेस पे, इसने एक ही बार में कितना ग्लो ला दिया है।
देन रोज वाटर के कुछ ड्रॉप लेकर अपने फेस पर लगा लीजिए एंड 24 आवर्स तक कोई भी सोप या फेस वॉश का यूज नहीं कीजिए। एंड अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड साथ ही कमेंट करना ना भूलें।